मुंबई इंडियंस के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। मुंबई इंडियंस की ओर से रोहित शर्मा और क्रिस लिन ओपनिंग करने उतरे और रोहित शर्मा दुर्भाग्य रूप से रन आउट होकर केवल 19 रन बनाए, जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल था। वहीं क्रिस लिन शानदार खेल खेलकर 35 गेंदों में 49 रन बनाकर आउट हुए और सूर्य कुमार यादव शानदार खेल खेलकर 23 गेंदों में 31 रन बनाकर लौट गए। ईशान किशन अच्छा खेल खेलकर 28 रन बनाकर हर्षल पटेल की गेंदबाजी में LBW के रूप में आउट हुए। हार्दिक पांड्या अपनी पारी में केवल 13 रन बनाकर लौट गए। किरण पोलार्ड कुछ खास प्रभाव नहीं दिखा पाए। वे 9 गेंदों में एक चौके की मदद से 7 रन बनाकर हर्षल पटेल की गेंदबाजी में वाशिंगटन सुंदर को कैच देकर आउट हुए। कुणाल पांड्या भी केवल 7 रन बनाकर आउट हुए। मैक्रो जैनसन 0 पर आउट हुए और जसप्रीत बुमराह 2 गेंदों में 1 रन बनाए। इसी के साथ मुंबई इंडियंस 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाए। आरसीबी के गेंदबाजों में मोहम्मद सिराज 4 ओवर में 5.50 इकोनॉमी रेट के साथ 22 रन दिए, लेकिन एक भी विकेट नहीं ले पाए। वहीं जामी सन अपने 4 ओवर में 6.75 इकोनॉमी रेट के साथ 27 रन देकर एक विकेट लिए। उन्होंने सूर्य कुमार यादव का विकेट लिया। युवराज चाहल अपने 4 ओवर में 41 रन दिए। शाहबाज अहमद एक ही ओवर डाल के 14 रन दिए। हर्षल पटेल शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने 4 ओवर में 5 विकेट चटकाए। डैन क्रिस्टन 2 ओवर में 21 रन दिए और वाशिंगटन सुंदर एक विकेट डालकर 7 इकोनॉमी रेट के साथ 7 रन देकर एक विकेट लिए। आरसीबी के गेंदबाज हर्षल पटेल जबरदस्त गेंदबाजी करके 4 ओवर में 6.75 इकोनॉमी रेट के साथ 27 रन देकर 5 विकेट लिए। वे ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, किरण पोलार्ड, कुणाल पांड्या और मैक्रो जैनसन का विकेट लिए और आरसीबी के लिए शानदार प्रदर्शन दिखाए। यह उनके करियर का बेस्ट बॉलिंग फिगर है। वे आखिरी ओवर में अपना हैट्रिक बनाने से चूक गए, लेकिन उसी ओवर में 3 विकेट लिए। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों में क्रिस लिन पारी को संभालते हुए रोहित शर्मा के साथ शानदार शुरुआत दिए। वे 35 गेंदों में 140 स्ट्राइक रेट के साथ 4 चौके और 3 छक्के की मदद से 49 रन बनाकर वाशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी में उन्हीं को कैच देकर आउट हुए। वे केवल 1 रन के लिए अपना अर्धशतक बनाने से चूक गए। वहीं सूर्य कुमार यादव ने भी पारी को अच्छे से संभाला और क्रिस लिन के साथ अच्छी साझेदारी निभाई। वे 23 गेंदों में 134.78 स्ट्राइक रेट के साथ 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 31 रन बनाकर जामिसन की गेंदबाजी में एवी डिविलियर्स को कैच देकर आउट हुए। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 160 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए बल्लेबाजी करने उतरी वाशिंगटन सुंदर और विराट कोहली। वाशिंगटन सुंदर 16 गेंदों में केवल 10 रन बनाकर कुणाल पांड्या की गेंदबाजी में क्रिस लिन को कैच देकर आउट हुए। वहीं कप्तान विराट कोहली पारी को संभालते हुए शानदार खेल खेले। वे 29 गेंदों में 33 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी में LBW के रूप में आउट हुए। रजत पाटीदार 8 गेंदों में 1 चौके की मदद से 8 रन बनाकर ट्रेंट बॉल्ट की गेंदबाजी में आउट हुए। मैक्सवेल जबरदस्त खेल खेलकर विराट कोहली के साथ अच्छी साझेदारी निभाए। वे 28 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हुए। एवी डिविलियर्स जबरदस्त खेल खेलकर पारी को आखिरी तक संभालकर 27 गेंदों में 48 रन बनाकर रन आउट हुए। शाहबाज अहमद 2 गेंदों में केवल 1 रन बनाकर मैर्को जैनसन की गेंदबाजी में कुणाल पांड्या को कैच देकर आउट हुए। डैन क्रिस्टन भी 3 गेंदों में केवल 1 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी में राहुल चाहर को कैच देकर आउट हुए। जामिसन 4 गेंदों में 4 रन बनाकर लौट गए। हर्षल पटेल आखिरी 3 गेंदों में अजय रहकर 4 रन बनाए और इस रोमांचक मुकाबले में आरसीबी 2 विकेट से जीत हासिल किए। मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों में ट्रेंट बॉल्ट 4 ओवर में 9 इकोनॉमी रेट के साथ 36 रन देकर 1 विकेट लिए। वहीं जसप्रीत बुमराह 4 ओवर में 26 रन दिए और 2 विकेट लिए। मैर्को जैनसन 4 ओवर में 28 रन दिए।
कुणाल पांड्या अपने चार ओवर में 6.25 इकोनॉमी रेट के साथ 25 रन देकर एक विकेट लिए और राहुल चाहर एक्सपेंसिव गेंदबाजी करके अपने चार ओवर में 10.75 इकोनॉमी रेट के साथ 43 रन दिए। आरसीबी के बल्लेबाज एबी डिविलियर्स सॉलिड खेल खेलकर 27 गेंदों में 177.78 स्ट्राइक रेट के साथ 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 48 रन बनाकर रन आउट हुए और वे केवल 2 रन के लिए अपना अर्धशतक बनाने से चूक गए, लेकिन वे अपने टीम को जिताने में मुख्य भूमिका निभाए। आरसीबी के बल्लेबाजों में मैक्सवेल शानदार खेल खेलकर विराट के साथ 50 रनों की साझेदारी पूरा किए। वे 28 गेंदों में 139.29 स्ट्राइक रेट के साथ 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 39 रन बनाकर मैक्रो जैनसन की गेंदबाजी में क्रिस लीन को कैच देकर आउट हुए। ओपनिंग करने उतरे विराट कोहली शुरू से ही पारी को संभालते हुए खेले। वे 29 गेंदों में 113.79 स्ट्राइक रेट के साथ 4 चौके की मदद से 33 रन बनाकर आउट हुए। वे मैक्सवेल के साथ 50 रनों की साझेदारी पूरा की। मुंबई इंडियंस के मैर्को जैनसन शानदार गेंदबाजी करके 4 ओवर में 9 इकोनॉमी रेट के साथ 28 रन दिए और 2 विकेट लिए। वही जसप्रीत बुमराह अच्छी गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 6.50 इकोनॉमी रेट के साथ 26 रन दिए और 2 विकेट लिए। इस मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हर्षल पटेल को दिया गया है।